प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है। देखो तुम अक्सर इतना देखा होना कि वो छुरी ना ही ला रहे होंगे। यह मशीन देखो इंपोर्टेड मशीन जड़िया कि के एफ सी मैकडोनल्ड वाले को इन्हें म्यार यही चीज है कि जस्ट चिकन नैचुरल चिकन ही ना पानी है बंद गोभी नहीं। एक और डिश इन्हें तैयार हो रही है जिड़ी कि असं तुम खा के दसांगे ओपन प्लेट है। यह तैयार हो रहा ओपन प्लेट है। यह भी जनाब जैसे ही तैयार होंगे तो हम दिखाने सासा पानी है इन्होंने जस्ट और कोई प्याज नहीं कोई बंद गोभी नहीं। देखो आज मैं जिस जगह से तुम लैके आया वहां शवरमा चिकन बर्गर इंट्रोड्यूस करवाने वास्ते चिकन भी हर शहर हर गली हर मोहल्ले नजर आएगा मगर जो इन्हों का फ्लेवर है यकीन मनो तुम किसी पास नहीं लगेगा। शवरमा ब्रेड लैदा होंगी है यह तुम रोटी के शवरमा बना के देगी और उसके जो जानते प्याज से बंद गोभी नैचुरल चिकन कटते और नैचुरल चिकन रोटी में ला के फ्लेवर पा के देंगे। मैं तुम दिखा एहसास साहब हैं बड़े खुश एहसास आदमी बहुत अच्छे आदमी और यह देखो करो रोटी है शवरमे की ब्रेड नहीं है ठीक है ऐसी रोटी है जस्ट नैचुरल चिकन पावे तो शवरमा बना के देंगे इदा इतना के जायका इतना के फ्लेवर यकीन मन सब वे भी भूल जाओगे। और इस बाद सिंगर बर्गर वास्ते चिकन लगी है जी कि अं दिखा सकने ये भी थोड़ी देर ही तैयार होएगा तो और इन्हों को सारा समान ब्रांडेड है बाहर का यूके का समान है चीजे तू लैके छुरियां तू लैके जितने इतने चीजा पे इस्तेमाल आदि सारिया बाहर दियां सिर्फ मटीरियल इतने का है। जनाब जिंगर दी चिकन तैयार हो चुकी है। ऐ तो लगेगा के एफ सी आया यकीन मनो इतना स्टैंडर्ड है इस बंदे साथ को सिंगर बर्गर वासी जी चिकन तैयार हुई है तुम देखो कि जिस तरह घर के आयल होना ना बिल्कुल साफ सुथरा शीशे उसी तरह के आयल के बिल्कुल है देखो कितनी व्हाइट व्हाइट चिकन तैयार हुई है व्हाइट लीटर आयल इन्हों का हर दो दिन बाद चेंज होता है। अच्छा जी ए देखो कि कोयले का इन फ्लेवर देने वास्ते इन्होंने की किया कि कोयला ना रखा हुआ है उपर जनाब दम ला दिता है ए फ्लेवर हो जाएगा जिसे फार्मा भी लगेगा ना यकीन मनो तुम भी लगेगा कि बारबेक्यू उपर तैयार हो। अच्छा हूं फिर दोबारा ए देखो इन्हों का इतने मिट्टी तैयार होता है शवरमा चिकन बर्गर ऐसे तैयार करते हैं कितना प्यारा तैयार करते खीरे कटे इन्हों का फ्लेवर जनाब योगर्ट वगैरह और डॉन कंपनी दिया कुछ ब्रेडा बंद शवरमा ब्रेड जी होंगी है मगर तुम दस कि देखो ऐसे दिखाओ जी अपना जस्ट नैचुरल चिकन और कोई इधर बंद गोभी नहीं कोई इधर फालतू शह नहीं रोटी के उपर इन्होंने चिकन रख छोड़ी फ्रैश के और उपर है अपना फ्लेवर जड़े ने उन्होंने डाल रहे तैयार कर रहे। देखो इन्होंने सॉसेज मायनीज पा के इन रेडी कर दिता है तो यह जनाब बना रहे वाह माशाल्लाह। और एदा फ्लेवर मैं ही जानना वा कि है क्योंकि मैं खाता वा जिस दिन तुम खाण आना है उसका शहर के सारे ही छोड़ देने
सारे फूड प्वाइंट छोड़ देने और इतने जाना क्योंकि तुम आइयो की शहर बनती टकी नहीं। प्लेटर तैयार हो गया। कौरमे का साइज 6 इंची है, अद्धा मैं इंतजाम वास्ते अद्धा आपे फिंगर पूरा है जनाब मैं खा रहा वा। यकीन मनो कोले का फ्लेवर रहता वा, ऐसा लगता है कि बारबी क्यू का कोई मटीरियल है और ना कोई प्याज है, जस्ट चिकन और सॉस का भी इतना फ्लेवर है। जी अच्छा पलवान साहब आप क्या राय देंगे इस बारे में? बहुत जबरदस्त है, ये लम्बे इस तरह का जायके नहीं है बिल्कुल भी। जी जी इस तरह का जायका नहीं है। इतने आओ तो मैं एड्रेस देंगे और तुम दफा चेक करो। एड्रेस है बिलाल टोन पुराना अड्डा बसाना डीसी हाउस के बिल्कुल सामने साथ मिर्जा साहब। क्वालिटी देखो बोनलेस चिकन दी कि किस तरह बर्गर क्यूई बाहर है। बोनलेस चिकन अच्छा कि तुम पता कितनी महंगी है, मगर यह चीज ये नहीं सोचने कि सू पैसे बचे या कस्टमर खुश हो। इतना फ्लेवर है यकीन मनो कि के एफ सी के आम खाते रहने बट नहीं इतने असं कुटे पैरी आने। मिर्जा साहब अभी जाके चल रहे हैं, मिर्जा साहब को सुन तुम होकर जा रहे हैं जिसे जैसा तीन डिनर खाते एक शॉर्मा खाता एक प्लेटर खाता मोदल पीतिया बड़े मुनासिब पैसों ने मुनासिब पैसे तुम दस नहीं सकता पर बहुत मुनासिब। फिर भी तुम इतने आओगे स्पैशल पलवान के चैनल के जरिए इतने आओगे थोड़े न डिस्काउंट करेंगे 50 नहीं तो 20 नहीं तो 30 छोड़न गए ना छोड़न। मैं तुम अपना नंबर दे देना, थैंक यू।